साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलौने कैसे बच्चों के सेंसेस को डेवलप करते हैं, उनकी कल्पनाओं को पंख देते हैं। अपने खिलौनों के इर्द गिर्द बच्चे कैसे अपनी कल्पनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलौनों वाले बर्तन दीजिए, वो ऐसे व्यवहार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की व्यवस्था संभाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है। उन्हें आप जानवरों वाले खिलौने दीजिए तो अपने मन में एक पूरा जंगल बना देता है, खुद भी आवाज निकालने लगता है, जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है। उन्हें एक स्टेथोस्कोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देख लीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और पूरे परिवार के सबकी तबीयत जांचना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल करना लग जाता है। ऐसे ही केवल एक बॉल से वो घर के भीतर पूरा फुटबॉल ग्राउंड बना लेते हैं। रॉकेट का खिलौना मिलते ही स्पेस मिशन पर वो निकल पड़ते हैं। उनके सपनों की उस उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, बस उन्हें एक छोटा सा ऐसा खिलौना चाहिए जो उनकी उत्सुकता को, उनकी क्रिएटिविटी को जगा दे। अच्छे खिलौनों की यह खूबसूरती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं। आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपन में चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल होइए। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने घर का, अपने ऑफिस का सब काम छोड़ दें और घंटों बच्चों के साथ खेलते ही रहे, लेकिन आप उनके खेलों में शामिल तो हो ही सकते हैं। आजकल परिवारों में प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है, लेकिन आपको खेल और खिलौनों की भूमिका को जरूर समझना चाहिए। खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है।